ओके स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। और हमने पिछली बार रूट दो, रूट तीन और रूट पाँच को अपरिमेय सिद्ध करना सीखा था, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा सा सवाल हुआ था वो वाला। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर्स को है ना अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो मैं आपको हल्का सा एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, चलो बीच में दे दूँगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। इसकी शुरुआत वैसे ही करेंगे लेकिन इसका एंड वैसे नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा अलग होगा, बीच का मसाला अलग होगा पूरा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में है ना, ध्यान से सुनना, पेपर में जो तीन रूट पाँच रूट दो वाले सवाल है बहुत कम आते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे सवाल आने के, ठीक है। तो तीन प्लस दो रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, मान लिया, माना ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, पी एफ ऑन क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्यू जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखवाई थी कि ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। जहाँ पर रूट दो, रूट तीन और रूट पाँच अकेले होते हैं, वहाँ पर आप क्या करोगे, सहभाज्य वाला पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर नहीं लिखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा इजी है, उससे आपको कुछ नहीं करना, इस समीकरण को हल करना है, कुछ को स्क्वायर नहीं करना, किसी को कुछ भी नहीं करना, हल करना है। हल के लिए पहले तीन को उधर लेके जाओगे, तीन इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और क्योंकि बटे में कुछ भी नहीं तो बटे में लगा देंगे एक, इसका एलसीएम आ गया क्यू, इसको एक से गुणा करो, इसको क्यू से गुणा करो, तो एक को पी से करेंगे तो पी आ गया, बीच में माइनस, तीन को क्यू से करो तो तीन क्यू, बटे में क्यू पहले से ही था। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद रूट पांच के साथ यहां पर कितना है, गुणा में है, तो गुणा से कहां चले जाएगा, ये भाग में, मतलब नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो नंबर आता है वो कितना है, पी माइनस तीन क्यू बटे दो क्यू। बात समझ में आ गई, मैं शायद दिख नहीं रहूंगा आपको, चलो इधर से पढ़ा देता हूं। अब जो लॉजिक समझाने वाला हूँ वो समझना ध्यान से। हमें इतना पिछली क्लास से पता चल गया कि रूट के अंदर पाँच हो, तीन हो, दो हो, ये सारी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता लग गया, तो हम इसे अपरिमेय मानेंगे। लेकिन इसने रूट पाँच के लिए नहीं पूछा, इसने पूरा का पूरा ये गुच्छा उठा के पूछा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, ये हो गया, हमारे पास मान लीजिए कुछ नंबर से, मैं इधर लिखता हूं तीन प्लस दो गुणा तीन बटे पांच, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तीन प्लस छ बटे पांच, कितना आ गया, नौ बटे पांच। तो मैंने क्या किया, कुछ पूर्णांक लिए, पूर्णांक मतलब नंबर्स लिए, उन नंबर्स को जमा दिया, प्लस माइनस गुणा जो भी करना है करूंगा मैं, ठीक है। तो हम उन्हें हल करने पर क्या आता है, एक संख्या आती है, बटे वाली संख्या आती है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या, समझ रहे हो। तो ध्यान से सुनना, एक परिमेय संख्या, एक सॉरी पूर्णांकों को हम जब जमाते हैं, बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगाएं, तो उनका जो हल आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, पी और क्यू पहले से पूर्णांक माने थे अपन ने, तो पी और क्यू पूर्णांक है, तीन और दो नंबर्स हैं तो नंबर को पूर्णांक ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब पूर्णांक को अपन ऐसे लिखते हैं तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि p तीन और q पूर्णांक है, इसलिए p माइनस तीन क्यू बटे दो क्यू एक परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन आपको पता है रूट पांच कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यह हमारी कल्पना में एक विरोधाभास है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः तीन प्लस दो रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में, तो यह है आपकी कहानी, आपको कुछ भी नहीं करना, और मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक बार रूट दो रूट पांच छोड़ भी दोगे ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो दो तीन साल से, मतलब कुछ सालों से पेपर में नहीं आ रहे, जब सबका कोर्स चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है।
इनको तो करना ही करना है। ठीक है, अब जब हम अगला सवाल करेंगे ना तो बच्चों क्या चेंज होगा? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अभी भी तो पीछे जाके देख सकते हैं, और सवाल कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये कैलकुलेशन वाला पार्ट चेंज होता है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या 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 मिटा रहा हूं। उदाहरण ये दो था, उदाहरण नंबर दो था ये, सॉरी मैंने एक लिख रखा था, आप चलो एक कर लो, मैं उदाहरण दो करवाता हूं। सिद्ध करिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 लेना है। ठीक है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 बराबर P/Q, वही कहानी लिख दो सेम। अब यहां पर 5 के साथ क्या है? 7 है, गुणा में 7 है सिर्फ, तो उसको भाग में ले जाओ। हो गया काम आपका, कुछ नहीं करना, ये कहानी सेम रहती है, एक रत्ती भर भी चेंज नहीं आता। क्या चेंज आएगा? बस जहां जहां पे आपने P, Q और 3 लिखा था, यहाँ पे P, Q और 7 पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। फिर पूरा वही रामायण जो लिखनी है वो सेम टू सेम ही रहेगी, और यहां पर आ जाएगा 7√5। तो कुल मिला के आपको ऐसा कुछ जादू चलाना है, ऐसा कुछ करना है कि यहां पर रूट वाली वैल्यू जो है वो अकेली रह जाए, समझ रहे हो? तो ये देखो कितना इजी सवाल है। आगे चलते हैं अपन और थोड़ा सा। मैं इसको मिटा रहा हूं, सिर्फ संख्या संख्या मिटाऊंगा, आपको पता है क्यों मिटा रहा हूं सिर्फ संख्या, क्योंकि बाकी सारी चीज तो एक जैसी रहेगी। प्रश्न एक, एक्सरसाइज प्रश्न प्रश्नमाला 2.3, प्रश्नमाला 2.3। तो यहां पर सिद्ध करना है 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है, माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 -√3 बराबर P/Q। आप चाहिए रट लो बाकी का। अब देखिए ध्यान से, पहले बेटा 5 है, अब ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, सर 5 माइनस में है। बेटा 5 माइनस में नहीं, 5 के इधर देखो कौन सा चिन्ह है क्या कुछ चिन्ह, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस √3 पे, तो √3 पे रहेगा P/Q -5/1। ध्यान से देखिए, अब Q लघुत्तम आएगा, ये P से गुणा हो जाएगा, ये 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे √3 बराबर P -5Q/-Q। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे नहीं लिखते। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? बेटा यहां पर है ना √3 अकेला रह गया था ऐसे तो, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह था जो कि नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह नीचे शिफ्ट कर देंगे। बोले सर ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाता है माइनस का चिन्ह? माइनस का एक मान लो, यहां पर माइनस के एक को जब क्यू से गुणा करोगे तो माइनस का क्यू आ जाएगा। अरे माइनस का चिन्ह ट्रांसफर करना जरूरी है, तो P/Q 5 यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा P -5Q/-Q, और यहां पर आ जाएगा 5 -√3। क्लियर है? तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने पहले से ही। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट 1/√2 को सिद्ध करना है, तो माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस यहां पे सिद्ध करना है, सॉरी 1/√2 को सिद्ध करना है, तो माना
एक बटे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक बटा रूट दो बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा जादू चलाना है कि यहाँ पर सिर्फ दो रह जाए और यहाँ पर पी और क्यू रहे। ठीक है, मतलब इधर से सारी चीज इधर ले जाओ, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसको पलट दो, रूट दो बराबर क्यू अपॉन पी। बोलोगे सर ये क्या किया आपने, मेरे को रूट दो इस साइड रखना था, तो रूट दो इसी साइड रूट दो ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, दोनों साइड का व्युत्क्रम ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रूट दो बटा एक, इसका मान क्या होता है, रूट दो ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, बराबर क्यू बटे पी। ठीक है, तो रूट दो बराबर क्यू बटे पी आ गया। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पी और क्या क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए एक बटा रूट दो कैसी संख्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है छह प्लस अंडर रूट दो, छह प्लस अंडर रूट दो माना, ये दूसरा सवाल है, छह प्लस अंडर रूट दो बराबर पी बटे क्यू। रूट दो इधर आ जाएगा, पी बटे क्यू माइनस छह बटे एक, रूट दो बराबर पी माइनस छह क्यू बटे क्यू। क्लियर है मामला, आगे मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर छह आ जाएगा, यहाँ पर पी माइनस छह क्यू बटे क्यू आ जाएगा, यहाँ पर छह प्लस रूट दो आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आखिरी सवाल जो है आपका वो है तीन रूट दो, मैं नहीं कराऊंगा, ये आपने अभी अभी किया था सात रूट पांच वाला। ठीक है, उसके जैसा ही सवाल है। तो कुल मिला के आज के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सवाल हो गए, शायद छः या सात सवाल हो गए, तो आपको ये कॉपी में करने हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है आपका, वो चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा आपके बाद, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।